कार्यालय के खामियों को और सरकारी महकमों की लापरवाहियों को उजागर किया जा रहा है। मैं जारा शेख, क्राइम टुडे न्यूज़। नाजरीन, आपको याद होगा कुछ दिन पहले फलकनुमा पुलिस हदूद में सलीम नामी एक राउडी शीटर का मर्डर हो गया था। इस सिलसिले में 6 आदमियों की गिरफ्तारी अमल में आई। आज साउथ जोन एडिशनल डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस बाबू राव ने आज एक प्रेस नोट जारी की, जिसमें मोहम्मद इरफान 27 साल, नवाब साहब कुंटा जिसका पेशा कार ड्राइवर, मोहम्मद इरफान पे पहले से ही 10 क्रिमिनल केसेस में ये शरीक है। अफरोज खान 28 साल, पेशे से ये कार ड्राइवर, अब्दुल नसीर 30 साल, जहानू मक्का साकिन जिसका पेशा प्लास्टिक स्क्रैप, शेख यूसुफ 34 साल, फलकनुमा का साकिन जिसका पेशा लॉरी ड्राइवर, मोहम्मद असगर 28 साल, फलकनुमा का साकिन जिसका पेशा बिजनेस, सैयद ईसा 27 साल, फलकनुमा का साकिन जिसका पेशा बिजनेस। पुलिस ने इन 6 को गिरफ्तार करके इन लोगों के पास से वो खंजर जिससे सलीम का कत्ल किया गया और एक पल्सर मोटरसाइकिल भी जब्त कर ली और इन सबको अदालती तहवील में दे दिया। शहबाज बाबा के साथ मैं शाहिद हुसैन, क्राइम टुडे न्यूज, हैदराबाद। ओके, 9 तारीख रात में 11:30 बजे को फलकनुमा पुलिस स्टेशन के इलाके में अच्छीरेड्डी नगर में मोहम्मद सलीम खान कत्ल हुआ था। ये मोहम्मद सलीम खान जो है फलकनुमा पुलिस स्टेशन में राउंड शीटर था और इन कई केस में इन्वॉल्व है। वो मर्डर केस रजिस्टर करने के बाद एसीपी फलकनुमा जम्मे बारी साहब और साथ साथ में फलकनुमा इंस्पेक्टर्स यादगिरी और मुरली कृष्णा उनका स्टाफ के साथ में आज ये मर्डर करेसो मुलजिम को मोहम्मद इरफान खान, अफरोज मोहम्मद यूनस, नसीर ईसा और यूसुफ बोलने वालों को आज अरेस्ट कर चुके हैं। अरेस्ट करने के बाद वो लोगों से पूछताछ करे तो वो लोगों को ये इन्फॉर्मेशन दिया है, ये मर गए सो सलीम खान ने एक 15 दिन से नया लोगों घर में बुलाकर दावत दे रहा है, दारू पिला रहा है। इसके बारे में जो मेन मुलजिम है इरफान खान और अफरोज दोनों जाकर उनसे पूछताछ करे, ऐसा करना गलत है, घर में बुलाकर खिलाना दावत करना गलत, लोगों को गर्म में लाना गलत है बोल के ये लोग उनको पाबंदी करे। मगर जो मर गए सो सलीम खान ने ये इरफान को वार्निंग दिया है, उसका मामले में इन्होंने नया ना बोल के उनको वार्निंग दिया, मगर इरफान खान को ये शक पैदा हुआ सलीम खान इतने लोगों घर में कई को बुला रहा है, मेरे को बड़ा तुम बोल के कई को बोल रहा है बोल के इनको शिका गया। शिका कर ये 5 लोगों को साथ लेकर 9 तारीख के दिन 11:30 बजे को अच्छीरेड्डी नगर 786 होटल कने उसको पूरा हमला करके ये जम्बिया से उसको कत्ल किया है। अब आज ये लोगों को अरेस्ट कर वो लोगों के बयान के मुताबिक ये जम्बिया को और मोटरसाइकिल को बरामद कर दिए और आज ये लोगों को कोर्ट में पेश कर रहे हैं। बात बहुत अफसोस की बात है, हम पुराने शहर में राउंड शीटर्स को एक सुधारने के लिए अच्छा काउंसलिंग कर रहा है, जो सुधर गए वो लोगों को राउंड शीट्स क्लोज कर रहे हैं हम, मगर नौजवान जो है पढ़ाई सही न रहने से, जिंदगी बारे में सही वो लोग काउंसलिंग नहीं रहने से ये केसेस में इन्वॉल्व होकर उनका अपना जिंदगी को खराब कर रहा है। ये सबर खत्म हो गया अपना नौजवानों में, मैं आप लोगों के साथ में मैं सारे नौजवान से मैं गुजारिश कर रहा हूँ, आप लोग सबक सीखो इसका, ये कैसे अच्छा सबर से आप लोग जिंदगी गुजारो, माँ बाप को अच्छा देख लो, आपके बीवी बच्चों को अच्छा पाल लो, वो तो पालने के मेहनत कर, अच्छा मेहनत करो, अच्छा जीवो, अच्छा नाम कमाओ। सर, इरफान खान सावे कुछ केसेस में इन्वॉल्व था या क्रिमिनल कुछ रिकॉर्ड? ये मर गए सो सलीम खान को और मारे सो इरफान खान को आज तक आपस में कोई झगड़ा नहीं था, आज तक भी
कोई झगड़ा नहीं था, कोई केस भी नहीं था। हमारा को अभी तक मालूम हुआ सब बातों में एक इश्यू भी उन लोगों के बीच में पेंडिंग नहीं है बोल के मालूम हुआ। तो रिलेटिव से सभी लोग फिर भी हम तलाश कर रहा है और कोशिश कर रहा है और कुछ मामला होगा बोल के हम देख रहा है, मगर ये मालूम हुआ ये दोनों भी थोड़ा दूर का रिश्तेदार भी है, ये लोग दूर का रिश्तेदार भी है। ये लोग दोनों मिलकर फिरते थे एक 15-20 दिन पहले, मगर 15-20 दिन में आपस में कुछ शक पैदा होकर ये कत्ल तक बात आ गई। सर इरफान खान का कान ऑलरेडी ये फलकना पुलिस का राउंड शीट रहे हूँ इरफान खान और इनका राउंड शीट मैं भी वही हवा का आपसे सवाल कर रहा हूँ। इन लोगों को अंदाजा नहीं है कैसे जीना है, ये शोक में जाते हैं, खिलाने में जाते हैं, जुबा खिलाने में जाते हैं, दावत देने में जाते हैं, मगर अच्छा मेहनत करके अच्छा जिएंगे, अच्छा नाम कमाएंगे, अच्छा पैसा कमा के बीवी बच्चों को माँ बाप को अच्छा देखेंगे बोलते हैं, उनके पास अकल नहीं सर। ये लोग अकल की जरूरत है सर। एक्सक्यूज पुलिस अरेस्टेड एक्यूज नंबर 1 फ्रॉम वेब दे हैव बीन। सच की तलाश का नाम क्राइम टुडे न्यूज़। मुझे इजाजत दीजिए, मैं जारा शेख।